वालेकुम सलाम। ओ किधर रह गया यार, सुबह से टाइम दिया था यार। ओ मेहमान आने वाले हैं, मोहल्ले में गोश्त बांटने हैं यार, जल्दी आ। क्या हुआ अबू, सब खैरियत है? ओ कुछ नहीं यार, सुबह से टाइम दिया था, अभी तक नहीं आया, कौन काटेगा यार? अच्छा आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। और तू क्या कर लेगा यार? हेलो, कौन? मैं तला। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि मेरी शादी मेरी फूफो के बेटे के साथ तय हो गई है, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? नहीं, आज मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं की, बल्कि एक बहुत जरूरी काम है। जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। वो दरअसल ना, हम सुबह से अपने कसाई का इंतजार कर रहे हैं और वो अभी तक आया नहीं है। हाँ तो ये कि तुम भी अच्छा काट लेती हो तो हमारा बकरा भी काट दो ना प्लीज। क्या? वही जो तुमने सुना। हेलो, कुर्बानी का गोश्त दे दो साहब, गरीब की दुआ लगेगी। ओ भाई माफ करो, अभी वो गए हुए हैं कुर्बानी का गोश्त लेने, तो जब आएंगे फिर ले जाना। दे दो साहब, घर में 3 जवान बहने हैं, गरीब इंसान हूँ, घर में खाने को कुछ भी नहीं है साहब। यार तुम्हें समझ नहीं आती, काहे ना बाद में आना गोश्त लेने। मैं कोई मांगने नहीं आया साहब, लेकिन मजबूर हूँ। मैं वादा करता हूँ, जिस दिन मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा उस दिन मैं ये भीख मांगना छोड़ दूंगा साहब। दे दो ना साहब, दे दो। तेरी ऐसी तैसी, चल निकल निकल। अरे साहब, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चलते हैं दबे पांव कि कहीं माँ बाप जाग न जाए, शादी के तरसे हुए कुवारों की यही खास अदा है, होते नहीं जब माँ बाप पसंद पे एक जा, उनका दामाद ही फकत पसंद की सदा है। बात सुने, वो मैं सोच रही थी कि दिन के खाने में कलेजी बना दूं। हाँ हाँ बना दो, ग्रेवी ज्यादा रखना और लीमू निचोड़ कर। अच्छा चले ठीक है, मैं बना देती हूँ। ऐसा करो, कलेजी रहने दो, मेरी बहन आएगी तो तब बना लेंगे। तो फिर चांपे बना दो। हाँ चांपे बना लो, फ्राई अच्छे से करना और लीमू रखना साथ ना भूलना। चलें आप फ्रेश हो जाएं तो मैं बना देती हूँ। बल्कि वो रहने दो, मेरी बहन और उसके बच्चे आएंगे तो तब बना लेंगे। तो फिर गोश्त भून दो। हाँ वो भून दो। अच्छा चले मैं वो भून देती हूँ। बची कुछ दाल नहीं पड़ी हुई कोई? क्यों? वो मैं सोच रहा था कि मेरी बहन आए तो कुर्बानी का गोश्त उसके साथ ही बैठ कर खाऊं। नहीं तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे बीवी बना के लाए हो या नौकरानी बना के लाए हो? जिस टाइम कुछ बनाने का कहूँ तो मेरी बहन आएगी तो बना देना, मेरी बहन आएगी तो बना देना। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक काम करती हूँ, मैं तो जा रही हूँ अपनी अम्मी के पास। बुलाओ अपनी बहन को, रहो उसके साथ, 2 टाइम के खाने के बर्तन तो वो उठा नहीं सकती, और मेरी बहन आएगी तो बना देना, उसके बच्चे खा लेंगे। काश जानवरों के साथ साथ रिश्तेदारों की भी कुर्बानी जायज होती। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।